आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद मी के चैनल में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, पलकार ट्रैक्टर हार्वेस्टर। और आज हम इस 4x4 ट्रैक्टर हार्वेस्टर के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पलकार ट्रैक्टर हार्वेस्टर है, जो कि 46 इंची बॉडी में है, और ये 2021 और 22 का नया मॉडल है। इसमें 12 फिटी कटर वार है। वैसे इसमें दो टाइप के कटर वार आते हैं, एक कुप्पी वाला, ये कुप्पी वाला है, और एक प्रॉन्ग कटर। इसमें दो टाइप के कटर वार आते हैं। और ये इसमें यदि हम इसकी रील की टिन की बात करें, तो इसमें काफ़ी हैवी टिन है, और ये रील भी काफ़ी हैवी है। ये जो रील है, ये चैसी ग्रे कलर में है। और इसमें पुलियों की बात करें, तो इसमें सभी बुश टाइप की पुलियाँ यूज़ की गई हैं, जो कि निकालने और डालने में काफ़ी आसानी होती है। यदि हम इसके हेड के बारे में बात करें, तो इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये हेड है इसका। ये फ्रंट वाले टायर 16x28 के हैं, और इसके रेयर वाले टायर पीछे वाले 9x5x24 के हैं। और ये इसमें एक टूल बॉक्स दिया गया है, इसमें आप कोई भी टूल या स्पेयर पार्ट रख सकते हैं। इसमें इस मशीन में सभी बेल्टों को टाइट करने के लिए एडल्स दिए गए हैं, और इस तरह आप टूल बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। ये इसका 4-wheel ड्राइव मैकेनिज्म सिस्टम है, जिसमें पावर का चेन के थ्रू ट्रांसमिशन है। ये इस तरह 4-wheel ड्राइव को इंगेज करते हैं पावर से, और ये यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट से रेयर वाले एक्सल को पावर ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये इसका ग्रेन टैंक, इसकी कैपेसिटी लगभग 10 क्विंटल है। इसमें 10 क्विंटल अनाज आप स्टोर कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आपको ग्रेन टैंक डिस्चार्ज करना होता है। पलकार P525। ये इसका स्पेयर पार्ट बॉक्स है, इसमें आप कोई भी लूज आइटम स्पेयर पार्ट रख सकते हैं। और ये इसका रेयर एक्सल। यदि इस मशीन के स्टॉप वॉकर के बारे में बात करें, तो इसमें 5 स्टॉप वॉकर दिए गए हैं, और इसमें काफ़ी लंबे चारने दिए गए हैं, जो छनाई के लिए बहुत बढ़िया हैं। ये इसका रियर एक्सल, और ये इसके एलिवेटर्स। इसके एलिवेटर्स में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने का पर्पस यह है कि इन एलिवेटर्स और हेड में, फीडर हेड में सबसे ज़्यादा घिसाई होती है, तो ऐसे केस में स्टेनलेस स्टील यूज़ करने से घिसाई काफ़ी कम होती है, और एलिवेटर्स और हेड की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। ये ग्रेन टैंक एलिवेटर, और ये इसका रिटर्न एलिवेटर। ये इसमें एक ड्राफ्ट फैन दिया गया है, ये ड्राफ्ट फैन, ये इसका ड्राफ्ट फैन है इस तरह। और इसमें डायमंड की चेन यूज की गई है। इस पर स्वराज 969 एफ ट्रैक्टर माउंटेड है। यदि इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी हाई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले से इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है। और ये इसके हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो कि फीडर को लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं।
ये 4x4 ट्रैक्टर है और हार्वेस्टर भी 4x4 है। इस हार्वेस्टर का बॉडी साइज 46 इंची है और इसमें जो कटर बार लगा हुआ है वो 12 फीटी है। इसमें 5 स्ट्रोक वॉकर हैं और इस पर जो ट्रैक्टर माउंटेड है वो स्वराज 969 FE। इस तरह आप इस हार्वेस्टर पर कोई सा भी ट्रैक्टर माउंट कर सकते हैं। कंडीशन ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर प्लस होना चाहिए। ट्रैक्टर हार्वेस्टर पर ऊपर चढ़कर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4x4 ट्रैक्टर है और स्वराज 969 FE। यदि ट्रैक्टर के फिटमेंट के बारे में बात करें तो इसका फिटमेंट एकदम परफेक्ट है और ये जो पर्सन देख रहे हैं इसका नाम DC है। ट्रैक्टर हार्वेस्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि जब फसल कटिंग का सीजन स्टार्ट होता है ऐसे में किसान भाई अपना ट्रैक्टर हार्वेस्टर पर माउंट कर लेते हैं और फसल की कटिंग करते हैं। सीजन कंप्लीट होने के बाद ट्रैक्टर को हार्वेस्टर से उतार लिया जाता है और फिर उसको आप पर्सनल कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप ट्रैक्टर हार्वेस्टर खरीदना चाहते हैं तो बलकार B525 ट्रैक्टर हार्वेस्टर आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। इस 4x4 ट्रैक्टर हार्वेस्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट बंगाल, नेपाल, इन सभी स्टेटों में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। बलकार हार्वेस्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इनके नंबर पर कॉल करें। इनका नंबर है 9880964 और इनका जीमेल है balkarcombines@gmail.com। गुरु नानक एग्री इंजीनियरिंग वर्क्स, भटिंडा रोड, हंडियाया, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब।
कृषि से संबंधित नई मशीनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।